तो की हालचाल दोस्तों, मेरा नाम है शानू। 29 अक्टूबर को आरबीआई की ओर से एक नया गाइडलाइंस जारी किया गया है करंट अकाउंट को लेकर। जो भी बिजनेस लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, जिनका भी ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या फिर सीसी अकाउंट यानी कैश क्रेडिट अकाउंट है, उन पे जो है लिमिट लगा दिया गया था, लेकिन अब जो है इसमें कुछ छूट दिया गया है आरबीआई की ओर से। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आरबीआई की ओर से नया गाइडलाइंस क्या जारी किया गया है करंट अकाउंट को लेकर, इसमें क्या छूट दिया गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम आगे आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है करंट अकाउंट को लेकर। इससे पहले 6 अगस्त 2020 को एक नोटिफिकेशन दिया गया था, जिसमें जो है करंट अकाउंट को ओपन करने पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन जो ये 29 अक्टूबर 2021 को अपडेट दिया है, इसमें अब जो है चेंज किया गया है। अब जो है आप करंट अकाउंट में ओपन करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे फर्स्ट ये है कि अगर आपका पहले से कोई सीसी अकाउंट यानी कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट चल रहा है, और अगर आपका जो लिमिट है 5 करोड़ से नीचे है, तो आप जो है किसी भी बैंक में जाकर करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है कोई भी एनओसी नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ पर आपको एक अंडरटेकिंग देना है अपने बैंक को कि अगर आपका फ्यूचर में कभी 5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपको जो अपना बैंक को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन अगर आपका लिमिट जो है 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आप जो है अकाउंट दूसरे तरह से ओपन करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपका पहले से कैश क्रेडिट यानी सीसी या फिर ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट है, और अगर उसका लिमिट जो है 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आप जो है अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है कि जिस बैंक में भी आपका 10% लिमिट है, उसी बैंक में आप जो है अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है टोटल लिमिट है 20 करोड़ का, और ये जो लिमिट है, मान लीजिए आपका जो है एक्सिस बैंक में जो करंट अकाउंट है उसका लिमिट है 10 करोड़, HDFC बैंक में जो आपका करंट अकाउंट है उसका लिमिट है 8 करोड़, और बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में आपका लिमिट है 2 करोड़, तो टोटल यहाँ पर हो गया आपका 20 करोड़। अब यहाँ पर आप जो है नया अकाउंट उसी बैंक में ओपन करवा सकते हैं जो आपका लिमिट है उसका कम से कम 10%, जिस बैंक में आपका अकाउंट का लिमिट है उसी बैंक में आप ओपन करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट था, इसमें जो है 2 करोड़ का लिमिट था, लेकिन यहाँ पर जो टोटल आपका लिमिट है 20 करोड़ का है। तीनों बैंक को मिलाकर 20 करोड़ का कम से कम आपको जो है 10% होना चाहिए। तो 20 करोड़ का जो 10% होता है वह जो है 4 करोड़ होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है बैंक ऑफ इंडिया में 2 करोड़ लिमिट है, तो आप जो है बैंक ऑफ इंडिया में नया अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे। लेकिन जो आपका HDFC बैंक में लिमिट है वह जो है 8 करोड़ है, और जो 20 करोड़ है उसका 10% होता है 4 करोड़, लेकिन यहाँ पर जो आपका HDFC बैंक का अकाउंट का लिमिट है वह जो है 8 करोड़, तो यहाँ पर मिनिमम आपका जो है 4 करोड़ होना चाहिए, लेकिन आपका HDFC बैंक में लिमिट है 8 करोड़, तो आप जो है HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मतलब जो आपका टोटल लिमिट होता है उसका कम से कम 10% लिमिट होना चाहिए, उसी बैंक में आप जो है नया अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई की ओर से यही नया गाइडलाइंस जारी किया गया है करंट अकाउंट को लेकर, जो मैंने आपको बता दिया डिटेल्स में। अगर वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी पूछना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है नीचे में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।